देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। हम मौजूद हैं रीवा में निकल रही ट्रैक्टर रैली पर। 26 जनवरी का मौका है रीवा शहर में, या यूं कहें देश में पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार दो रैलियां निकली हैं, एक रीवा के BTS मैदान में और एक रीवा की सड़कों पर। हमारे साथ किसान नेता, हम सीधे उनसे बात करते हैं। बताइए, देखिए ये आजादी की लड़ाई है और ये संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, देश के 84% आवाम को बचाने के लिए हम लोगों ने ये युद्ध छेड़ दिया है। और मोदी हुकूमत को चेतावनी देते हैं कि यदि आपने बिल वापस नहीं लिया तो आपको देश का किसान नस्ता नाबूद करने का काम, देश का किसान नस्ता नाबूद कर देगा। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश है। मैं और भी तमाम लोगों से बात करूंगा, आप तक उनकी सबकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बताइए, जिस तरह से देश का किसान दिल्ली की चौकट में है, रीवा का किसान शिवराज सिंह को आज ये बता दिया कि आपने रास्ता बदल दिया, मतलब किसान जीत की ओर है। और ये तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, आज तो हमने सरकार को चेताया है, यदि सरकार बिल वापस नहीं लेगी, आने वाला समय सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लगातार यहां पर किसान अपनी बातों को लेकर लगातार आक्रोश में है, उनका गुस्सा दिख रहा है यहां पर। लगातार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात उनसे पूछेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से पूरे देश में किसान सड़कों पर है, आपको क्या लग रहा है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकारों ने किसानों की आजादी के 72 साल तक किसानों को ये कुछ नहीं समझे हैं। हम लाल किले के असली हकदार हैं और हमारे किसान अगर देश के नेता को चुनना जानते हैं तो उन्हें सत्ता से हटाना भी जानते हैं। देश के नेताओं को अगर चुनना चाहते हैं तो सत्ता से हटाना भी जानते हैं। इस तरीके से लगातार किसान लगातार सड़कों पर है, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको तमाम रैली में मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आगे भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे ये तमाम लोग किस तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जिस तरीके से किसान लगातार सड़कों पर है, किसान बिल्कुल सड़कों में, पूरा देश का किसान सड़कों पर है। जहां एक और रीवा के PTS मैदान पर रैली हुई, वहां मुख्यमंत्री थे, यहां पर रीवा की सड़कों पर तमाम किसान नेता मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग कृषि बिल वापस चाहते हैं, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काले कानून से अन्नदाता का किसानी की मौत हो जाएगी और किसान
दो महीने से सड़क पर बैठे हैं, आज उनके सम्मान में पूरा प्रदेश पूरा देश सड़क पर उतरा हुआ है और हम तब तक सड़क में रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होता। जब तक हम सड़कों पर रहेंगे तब तक काला कानून वापस नहीं होता। इस तरीके से लगातार किसान अपने अपने अंदाज पर अपनी अपनी बात कहने की कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करने की। तब तक लगातार जिस तरीके से यहाँ ट्रैक्टरों का एक जबरदस्त काफिला आप अपने में टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस काफिले को देखकर लग रहा है कि वाकई किसान सड़कों पर है। उसका गुस्सा, उसका ये कहना कि जो चीज़ हमें चाहिए नहीं आप वो चीज़ हमें जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं।